दोस्तों, आप डीएनए की लंबाई तो जानते ही होंगे, अगर नहीं तो ये तो जानते ही होंगे कि दूध में उफान क्यों आता है, या शायद ये तो जानते होंगे कि विज्ञान ने किस महिला को सबसे सुंदर बताया है। अगर नहीं जानते तो जुड़े रहिए फैक्ट टेक इन हिंदी के साथ। आज हम इन्हीं सब बातों को बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। डीएनए की लंबाई कितनी होती है, आइए थोड़ा मोटा मोटा समझते हैं। दरअसल अगर आप केवल एक कोशिका यानी सेल में मौजूद डीएनए को खींच कर सीधा कर सकें तो लगभग 6 फुट से ज्यादा बड़ा हो सकता है, यानी एक एवरेज आदमी से ज्यादा लंबा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक डीएनए की बात कर रहे हैं। हाल ही के शोध की रिपोर्ट्स के अनुसार वयस्क शरीर में औसतन 30 खरब कोशिकाएं होती है। यदि आप कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए मॉलिक्यूल को सीधा कर सकें तो इनकी लंबाई 34 अरब मील तक हो सकती है। लेकिन इस दूरी को हम कैसे समझ सकते हैं? आपको पता होगा कि सूर्य और धरती के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और अगर डीएनए को एक लाइन में सीधा लगा दें तो आप 200 बार धरती से सूर्य तक चक्कर लगा सकते हैं। यही नहीं, आप 8000 बार धरती के चारों ओर घूम सकते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम अपने शरीर में इतने लंबे डीएनए के साथ कितनी आसानी से हर काम कर लेते हैं। गंगा का पानी कभी भी खराब क्यों नहीं होता है? इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वो सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वो रास्ते में सड़ जाता था। दरअसल पानी में गंदगी पैदा करने वाले बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया है, और गंगा के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। इसके अलावा दूसरे परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया गया, एक ताजा, दूसरा 8 साल पुराना और तीसरा 16 साल पुराना। वैज्ञानिकों ने पाया कि ताजे गंगा जल में बैक्टीरिया 3 दिन तक जीवित रहा, 8 साल पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन। यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। हालांकि उन्होंने पाया कि गर्म करने से पानी की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे वो अभी तक नहीं समझ पाए। यही नहीं, गंगा के पानी में सीधे वातावरण में ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। इसके अलावा दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा है। बहुत से एक्सपेरिमेंट के अनुसार दूसरी नदी जो गंदगी 15 से 20 किलोमीटर में साफ कर पाती है, उतनी गंदगी गंगा नदी 1 किलोमीटर के बहाव में साफ कर देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया की सबसे सुंदर महिला। दोस्तों, अगर विज्ञान किसी चीज को खूबसूरत कहता है तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। क्या आप जानते हैं कि सुपर मॉडल बेला हैडिड को विज्ञान ने सबसे सुंदर महिला घोषित किया है? एक पूरी रिसर्च प्रोसेस के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि बेला का चेहरा ही परफेक्ट फेस है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन बता दें कि शारीरिक खूबसूरती को मापने वाला भी एक मानक है जिसका नाम गोल्डन रेशियो ब्यूटीफाई है। इसी के आधार पर 23 साल की बेला हैडिड का चेहरा इस मानक से 94.35% तक मिलता है। दरअसल बेला की आंखें, बोहे, नाक, होठ, ठुड्डी, जबड़े और चेहरे का आकार मापा गया। इन सभी की लंबाई चौड़ाई एक कॉस्मेटिक सर्जन ने नई कंप्यूटराइज्ड मैपिंग टेक्निक्स का उपयोग करके निकाले हैं। अब आप भी जान लीजिए कैसे मापा जाता है गोल्डन रेशियो ब्यूटीफाई को। इसके माथे की हेयरलाइन से आंखों के बीच की जगह पर माप लिया जाता है, आंखों के बीच की जगह से नाक के नीचे तक मापा जाता है, और नाक से लेकर ठुड्डी तक के लिए नाप लिए जाते हैं। अगर इनका नाप एक समान हो तो व्यक्ति को सुंदर माना जाता है, यानी चेहरे की समरूपता और अनुपात को तवज्जो दी जाती है। गोल्डन रेशियो के अनुसार कान की लंबाई नाक की लंबाई के बराबर होनी चाहिए और आंखों की चौड़ाई दोनों आंखों के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। दूध में उफान क्यों आता है? वास्तव में दूध में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कई तरह के खनिज होते हैं। दूध में 87% पानी, 4% प्रोटीन, 5% लैक्टोज होता है।
जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसमें से पानी भाप बनना शुरू कर देता है और दूध में मौजूद वसा यानी फैट और अन्य पदार्थों का गाढ़ापन बढ़ जाता है। चूंकि ये सभी दूध की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए दूध में सबसे ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, जो हमें मलाई के रूप में दिखते हैं। इसके बाद दूध में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स इस परत के अंदर ही भाप बनते हैं और यही भाप दूध से बाहर निकलने के लिए दूध की सबसे ऊपरी परत जो ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देती है और इसी वजह से ये दूध की ऊपर वाली परत को और भी ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देती है ताकि इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। इसी लड़ाई के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब ऊपरी परत बर्तन के ऊपरी भाग से ज्यादा ऊंचाई तक आ जाती है और पानी की भाप को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। दूध में मौजूद पानी की भाप अपने साथ कुछ द्रव्य भी ले आती है और इसी कारण दूध में उफान आता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हम पानी से भाप निकलती हुई देखते हैं। अब आप कहेंगे कि पानी में ऐसा उबाल क्यों नहीं आता? दरअसल पानी में दूध की तरह कोई परत नहीं बनती। पानी में दूध की तरह कोई प्रोटीन या वसा नहीं होती जो गर्म करने पर उसके ऊपर परत बना दे, इसलिए उसमें वाष्प को निकलने में कोई रुकावट नहीं होती। पानी का वाष्पीकरण लगातार होता रहता है, इसलिए उसमें उफान नहीं आता। सड़क के बीच झाड़ियां तथा पौधे क्यों लगाए जाते हैं? बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये पेड़ और झाड़ियां सड़कों को सुंदर दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये पेड़ और झाड़ियों को डिवाइडर के ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि रात के समय एक ओर से आने वाले वाहनों की हेडलाइट की रोशनी दूसरी ओर से आने वाले वाहनों पर ना पड़े और किसी ओर से वाहन चालकों को कोई समस्या ना हो। कई बार इन पेड़ और झाड़ियों के न होने की वजह से दूसरी ओर से आ रहे वाहनों की हेडलाइट से आ रही खतरनाक चमक ड्राइवर की आंखों पर बहुत तेज पड़ती है और ड्राइवर वाहन के रास्ते का सही अंदाजा नहीं लगा पाते और खतरनाक सड़क हादसे हो जाते हैं। इसी को देखते हुए पेड़ और झाड़ियां सड़कों के बीच में डिवाइडर पर लगाए जाते हैं। इन पेड़ और झाड़ियों को सड़कों के बीच और किनारे लगाने को एक और फायदा है कि इनकी वजह से जंगली जानवर भी सड़कों पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कई बार जंगली जानवरों के भी सड़कों के बीच में आ जाने से सड़क हादसे होने की संभावनाएं रहती है और यही कारण है कि सड़क के बीच झाड़ियां तथा पौधे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल फैक्ट टेक इन हिंदी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।